हर एक फौजी के जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उन्हें दोबारा से सेट होने की जरूरत पड़ती है, और हर एक फौजी को ये चिंता होती है कि हमारा सेकंड करियर कैसे सेट होगा, रिटायरमेंट के बाद हम दोबारा से सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। तो सैनिक मंत्रा परिवार में हम अपने फौजी भाइयों के भविष्य को बनाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको सिविल में एक अच्छी जॉब करनी है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ की सिविल में ज़्यादा डिमांड है उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाए। अगर आपने ये काम कर लिया तो एक अच्छी जॉब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और अगर जॉब अच्छी मिल गई तो आप सेट भी अच्छे से हो जाएंगे। एक फौजी के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फौजी इसलिए सेट नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने आप को ठीक से तैयार नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि एक फौजी को अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, जिस वजह से सिविल में आसानी से सेकेंड करियर को सेट कर सके। यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जानकारी देंगे जिसकी सिविल में बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर एक फौजी को ये कोर्सेज करने चाहिए, और आप इन कोर्सेज को कैसे आसानी से कर सकते हैं और बाद में किस तरह से एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। साथ ही मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दूंगा जहां पर ये दोनों काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोर्स भी और जॉब भी। तो पहले कोर्सेज की बात करते हैं, उसके बाद में जॉब की बात करेंगे इसी वीडियो में। एक कंपनी है CG रीसेटलमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ फौजी भाइयों के लिए काम करती है। फौजी भाइयों को सेकेंड करियर सेट करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी फैसिलिटीज़ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपके लिए बहुत काम की चीज़ साबित हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर अभी एक आई बटन आएगा, उस आई बटन में क्लिक करके आप उसको लिस्ट कर सकते हैं और बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। इन्होंने कुछ खास प्रकार के कोर्सेज का एक कंप्लीट पैकेज बनाया हुआ है और पिछले 20 सालों से ये ऑफलाइन कोर्सेज करा रहे हैं। इनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है और इनके सारे कोर्स ऐसे हैं जो फौजी करियर को, सेकेंड करियर को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कोर्स है कंप्लीट कोर्स इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। देखिए, आप रिटायरमेंट के बाद कहीं भी जाओगे, प्राइवेट फील्ड में या गवर्नमेंट जॉब में, आपको सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप कंप्यूटर पर काम करना जानते हो। अगर आप कहोगे हाँ तो दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या आपने कोई कोर्स कर रखा है, क्या आप सर्टिफाइड हो, क्योंकि आजकल सिविल में सारे छोटे बड़े काम कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। ऐसे में हमारे काफ़ी सारे रिटायर्ड फौजी भाई मार खा जाते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। एक अच्छी काबिलियत होने के बाद भी सिर्फ कंप्यूटर की वजह से उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। इस कोर्स में कंप्यूटर की ABC से लेकर XYZ तक पूरी जानकारी दी जाती है और आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं, अपने घर बैठकर ऑनलाइन भी इस कोर्स को कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज़रूर करना चाहिए, ऐसे कोर्सेज को नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले आपने ये कोर्स करना चाहिए। बाकी भी कुछ कोर्स है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको साथ ही में ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप इस कोर्स को घर बैठकर कर सकते हैं और इस कोर्स की क्या क्या खासियतें हैं। दूसरा कोर्स है फायर एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र। हर एक फौजी के लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिविल में जितनी भी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज है वो एक फौजी की अहमियत को समझते हैं, उनकी काबिलियत और उनकी एबिलिटीज़ को समझते हैं, और सभी कंपनीज़ में फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इस काम को एक ट्रेंड फौजी से ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है। तो इसी वजह से ये सारी कंपनीज़ एक ट्रेंड सोल्जर को इस काम के लिए हायर करना चाहती है। जिन फौजी भाई ने फायर एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र का कोर्स कर रखा है उन्हें एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी बहुत आसानी से मिलती है। इस कोर्स में आपको पूरे लाइव डेमोटेशन के साथ में पूरा डीपली नॉलेज दिया जाता है और कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इस कोर्स को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो कहीं भी अगर आप इंटरव्यू में जाओगे और आपने अगर ये कोर्स कर रखा है तो आपकी इमेज बाकियों से अलग हो जाएगी और आपको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाला कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरा कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल एंड जॉब इंटरव्यू। देखिए, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कई सारे ऐसे फौजी देखे हैं जो अंदर से खूब काबिलियत रखते हैं लेकिन इंटरव्यू के दौरान ही अनसिलेक्ट हो जाते हैं। इसका क्या कारण है कि वो इंटरव्यू के दौरान अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी एबिलिटीज़ का प्रभाव
सामने वाले पर नहीं डाल सकते, क्योंकि आप जहां पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो उस आदमी को तो पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी खासियत है और कितनी ज़्यादा एबिलिटीज है। कम्युनिकेशन स्किल एंड जॉब इंटरव्यू कोर्स में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि आप किस तरह से अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं ताकि आप आसानी से जॉब में सिलेक्ट हो जाए और अच्छी जॉब आपके हाथ से ना छूटे। इसलिए ये कोर्स किसी भी फौजी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि आप पहली ही मुलाकात में किसी भी नौकरी को हिट कर दो। अगला कोर्स है वेयर हाउस सुपरवाइज़र एंड लीड कुरियर। देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इन सभी लॉजिस्टिक कंपनीज में अपनी एक सप्लाई चेन होती है और किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए उनकी सप्लाई चेन बहुत एक्टिव होना ज़रूरी होता है और इस सप्लाई चेन की पूरी सिस्टम को हैंडल करने के लिए एक काबिल पर्सन की ज़रूरत होती है और हमारे फौजी भाइयों के लिए इस फील्ड में काफ़ी स्कोप होता है। तो वेयर हाउस सुपरवाइज़र इन लीड कुरियर कोर्स में आपको इस फील्ड को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना सिखाया जाता है। ज़्यादातर फौजी भाइयों को ऐसे स्पेशल कोर्सेज के बारे में मालूम ही नहीं होता है। क्या आपको इस कोर्स के बारे में पहले से पता था या नहीं था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं और सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप जॉब में तुरंत ही सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट बहुत कम फौजी भाइयों के पास होते हैं। इसलिए ये कोर्स करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके अलावा CGR में, यानी कि CG रिसेटलमेंट में, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का कोर्स भी जल्द ही आने वाला है। अब ये CG रिसेटलमेंट की एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं CGR, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो फ़ोन करके भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ईमेल ID और वेब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये सारे कोर्सेज CGR की एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसके लिए बकायदा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और भविष्य में अगर कोई इस कोर्स को वेरीफाई करना चाहे तो वेबसाइट के ऊपर एक स्टूडेंट करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट ID डालकर आप वहां से अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हो या कोई और भी वेरीफाई कर सकता है। इन सभी कोर्सेज को CG रिसेटलमेंट पिछले 2 दशकों से ऑफलाइन चला रही है और अगर आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसकी एंड्रॉयड ऐप से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इन सभी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है, 1 साल तक आप इस कोर्स में एक्सेस कर सकते हैं और आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस कोर्स को रिपीट कर करके देख सकते हैं। सही मायने में इस कोर्सेज के फायदे ये है कि एक ही बार सब्सक्रिप्शन करके घर के सारे सदस्य इस कोर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, आप किसी को भी इस कोर्स को दिखा सकते हो। इन्होंने एक कूपन कोड भी दिया है जिसका नाम है फौजी, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्स में कंसेशन भी ले सकते हो। तो हो गया सोने पे सुहागा, सारी चीज़ें एक ही मुट्ठी में। तो दोस्तों, ये तो होगी कोर्स की बात, अब प्रश्न ये उठता है कि कोर्स करने के बाद हम जॉब ढूंढने कहाँ पर जाए। तो इसके लिए भी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, CGR की एंड्रॉयड ऐप पर ये सारी सुविधा भी उपलब्ध है। देखिए, ये सुविधा 2 टाइप से उपलब्ध है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन सारे जॉब्स की नोटिफिकेशन इसमें टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है और आपको दिखाई जाती है। इनके अलावा प्राइवेट जॉब की वैकेंसी के लिए भी CGR की एप्लीकेशन के ऊपर सारी वैकेंसी दिखाई जाती है और टाइम टू टाइम रेगुलरली नई नई वैकेंसी इसमें अपडेट की जाती है। और प्राइवेट जॉब की वैकेंसी के लिए आप डायरेक्टली CGR की वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते समय आपको अगर रेज्यूम की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं से आप रेज्यूम भी बना सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो जॉब से रिलेटेड सारी हेल्प आपको इसी एप्लीकेशन से मिल जाती है, एक ही प्लेटफॉर्म में सारे काम बन जाते हैं। मैं आपको थोड़ा डेमो देके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपने ये काम करने होते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आप प्रोफाइल टैब पर जा सकते हो और वहाँ से कोर्स, जॉब और बाकी इनकी जितनी भी सर्विसेज है उनके स्टेटस देख सकते हैं। जॉब पर क्लिक करके अवेलेबल जॉब की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और अगर आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया है और कोर्स आपका हो चुका है तो आप इस कॉलम के माध्यम से यहाँ पर देखिए क्लिक करके आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी नई जॉब की वैकेंसीज आती हैं उन सारी जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपके अनुसार, आपके पसंद के अनुसार आप किसी भी जॉब में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक, ईमेल आईडी और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये किसी भी फौजी भाइयों के सेकेंड करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी फौजी भाइयों को एक अच्छा रास्ता मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।